हम गश्त कर रहे थे लगभग डेढ़ डेढ़ पौने दो बजे के करीब, एक गाड़ी दिखी हमें संदिग्ध। गाड़ी बंद थी, हेडलाइट वगैरह सब, उसमें कुछ दिख नहीं रहा था। गाड़ी में दिखने जाता कोई है या ना। हम गाड़ी के पास पहुँचे, तुरंत ही गाड़ी में सेल्फ स्टार्ट हो गया। गाड़ी में सेल्फ स्टार्ट होते ही उसने गाड़ी, हमारी बाइक थी, बाइक आगे लगाई, बाइक पे डायरेक्ट उसने चढ़ाई। चढ़ाने के बाद उसने फिर उसने रिवर्स गियर लिया। हमने कहा इशारे से कर रहे थे भैया नीचे आओ नीचे आओ, वो नहीं मान रहा था। उसने फिर रिवर्स लेकर फिर ऊपर चढ़ाई, फिर उसने फिर तीसरी बार रिवर्स लिया। जब उसने तीसरी बार रिवर्स लिया, पूरी ज़ोर से उसने गाड़ी चढ़ाई, पूरी मतलब जान से मारने के बिल्कुल हिसाब से ही, क्योंकि मैं बिल्कुल नीचे गिरा हुआ था। पहिए जो पहिया था उसकी गाड़ी का, उसके साइड में को आगे थी बाइक। उसके बाद मैं जैसे ही खड़ा हुआ, खड़ा होकर मैंने कहा भैया रुक जाओ, डराने के लिए मैंने पिस्टल निकाली, लेकिन उसने फिर भी नहीं मेरी कोई सुनी। मतलब उसे आवाज़ जा रही है नहीं जा रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इशारे से उसे कह रहा था। लेकिन उसने गाड़ी मेरे ऊपर सीधी ही चढ़ाई, गोली पता भी नहीं थी लगी या नहीं लगी, वहाँ से चला गया था, वहाँ रुका नहीं था। लाइट पड़ रही तब तक। पीछा अगर जब कर किया उन्होंने तो लड़की, एक बताते हैं पीछा किया जाके गाड़ी खुद मैडम वहाँ पे टकरा गई किसी पुलिस वाले ने, कि आला अफसर कौन कौन थे वहाँ मुझे किसी का नाम नहीं पता है, किसी ने भी ये नहीं कहा कि गोली मारी गई। और अगर एक्सीडेंट हुआ था, फिर मैंने कहा मुझे उस लड़की से मिलना है, गई तो उसके यहाँ लेडी कांस्टेबल बैठा रखी है। क्या वो लड़की विक्टिम थी कि तुमने लेडी कांस्टेबल बैठा रखी थी? लड़की क्या करती है आप जानती हैं उसको? लड़की पहले एप्पल में जॉब करती थी, उसका एप्पल से फिर जॉब से वो हट गई थी, अब वो नई जॉब की तलाश में थी यहाँ पे। और अभी कुछ दिन पहले फिर से उसका एप्पल में इंटरव्यू वगैरह हुआ था, शायद रिज्वाइनिंग वगैरह कुछ हो गई थी, वो फिलहाल वो काम ही कर रही थी यहाँ पे। वो सिर्फ एक नॉर्मल सी एम्प्लॉई थी। अगर एक्सीडेंट हुआ था तो उस लड़की को तो चोट आई नहीं है, सामने से गाड़ी में गोली मार दी, कभी कुछ बताया कभी कुछ बताया क्यों, और ऊपर से पुलिस वाले लीपापोती कर रहे हैं। एक विवेक तिवारी नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है जी। सुबह के वक्त जब वो जा रहे थे गाड़ी से, तो एक महिला अधिकारी के साथ वो वहाँ पे थे जो उनकी कंपनी में ही काम कर रही थी, वो दोनों काम कर रहे थे। और उनको एक जगह वहाँ पे खड़ी थी गाड़ी, मेरे दो सिपाही जो चेतक का जो हमारा वो रहता है उसमें वो थे, और उन्होंने इंटरसेप्ट किया और उनसे कहा कि आप बाहर निकल कर बताएं क्या है। वो निकलने से रिफ्यूज़ किया और उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करके मेरे कॉन्स्टेबल्स पे चढ़ाने की, मोटरसाइकिल पे चढ़ाने की कोशिश की। और सेल्फ डिफेंस में, जैसा कॉन्स्टेबल्स ने बताया कि सेल्फ डिफेंस में उसने गोली चलाई, गोली उसके चिन पे लगी है, और बाद में गाड़ी जाकर वो एक्सीडेंट हो गई और उसकी मौत हो गई। ये एक प्योर अपराध की श्रेणी में आता है। हमने तुरंत हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, उन दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा गया है, और उनको आज शाम तक हम बर्खास्त कर देंगे। और मैं समझता हूँ कि किसी भी पुलिस अधिकारी को या कर्मचारी को सेल्फ डिफेंस का प्ली लेते हुए ये नहीं है कि वो एक्सीड कर जाए कि पब्लिक परसेप्शन थ्रेट का कितना है। और मैं समझता हूँ कि ये हत्या का प्योर मामला है जो मेरे पुलिसकर्मियों ने किया है, और इसी के कारण उसको हत्या के मुकदमा के दर्ज करके उन्हें। सर आपको नहीं लग रहा कि कहीं पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो गई है? और पोस्टमार्टम में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि गनशॉट इंजरी से उसकी हत्या। पुलिस का कोई गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जहां भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है हम लोग उस पर सख्त कदम उठा रहे हैं। और जहां पे भी अगर पुलिसकर्मी गलत काम करते हैं तो उन्हें न केवल गिरफ्तार किया जाता है, न केवल उन्हें सस्पेंड किया जाता है, बल्कि उन्हें बर्खास्त भी किया जाता है। और कई ऐसे दृष्टांत उत्तर प्रदेश में हैं जिनमें हमने पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनफैक्ट मेरा सीधा संवाद पुलिसकर्मियों से जुड़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि पुलिसकर्मी जो हैं वो समाज की सेवा के लिए हैं, न कि किसी को रक्षक या भक्षक की श्रेणी में आने के लिए।